जितने दिल्ली में ऑटो चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, ये बेचारे रोज ऑटो चलाते थे, टैक्सी चलाया करते थे, शाम को थोड़े पैसे घर ले जाते थे और उसी से इनका घर चला करता था। इन लोगों के घर में कोई बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं होती, गरीब लोग होते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली के अंदर लॉकडाउन है, जिसकी वजह से इन लोगों की रोजी रोटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बिल्कुल बंद हो गई है। तो जैसे पिछले साल हम लोगों ने किया था, पिछले साल भी जब लॉकडाउन लगा था तो दिल्ली के सभी ऑटो चालकों को और टैक्सी चालकों को दिल्ली सरकार ने 5-5 हज़ार रुपये से दे के मदद की थी। आज भी हम ये निर्णय लिया है कि हम दिल्ली सरकार सभी ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों को 5-5 हज़ार रुपये देकर मदद करेगी, ताकि उन लोगों को इस आर्थिक तंगी के दौर में थोड़ी सी मदद मिल सके। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनकी सारी जो जितने डेली वो कमाते थे वो उससे मदद होगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस आर्थिक तंगी के दौर में उनको मदद मिलेगी। तो लगभग पिछली बार भी हम लोगों ने 1,56,000 ऐसे ड्राइवर्स की मदद की थी, उन सब की मदद इस बार भी दिल्ली सरकार करेगी।